सुल्तानपुर में पुलिस वाले पर हुआ हमला, विधायक मन्नू अंसारी के गनर पर हमला, चाकुओं से गोद कर किया बेहाल, कार्बाइन लूट कर फरार हुए बदमाश। सुल्तानपुर से एक सिपाही पर हमला होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां ट्रेन में घुसकर कुछ आरोपियों ने सिपाही पर ताबड़तोड़ हमला किया और फरार हो गए। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि सिपाही से उनकी कार्बाइन और मोबाइल भी लूट ली गई। ये सिपाही मुख्तार अंसारी के MLA भतीजे मन्नू अंसारी के गनर बताए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। मामला काफी ज्यादा संगीन है और ये इस बात पर भी कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर कोई हथियार लेकर ट्रेन पर कैसे चढ़ गया। दरअसल बीते दिन बाहुबली कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी के भतीजे सुहैब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी के गनर राकेश चौधरी पर हमला हो गया और ये हमला चलती हुई ट्रेन में किया गया। जानकारी के मुताबिक गाजीपुर के मोहम्मदाबाद सीट से विधायक मन्नू अंसारी के गनर राकेश चौधरी श्रमजीवी एक्सप्रेस से वाराणसी से राजधानी लखनऊ आ रहे थे। इसी दौरान उन पर पखरौली रेलवे स्टेशन से सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन के बीच हमला हो गया। राकेश के शरीर पर कई चाकुओं के निशान हैं और उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। राकेश को गंभीर हालत के चलते ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। एक सिपाही जो है राकेश कुमार जो है 25 साल के थे, गाजीपुर के रहने वाले थे। ये नहीं पता कि कहाँ पे एग्जैक्ट एड्रेस है। यहाँ पे इमरजेंसी में आए थे। इमरजेंसी में उनको कई सारे चोटें थी, एब्डोमेन पे चोट थी, तो हालत थोड़ी सी सीरियस थी, इसलिए उनको मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर कर दिया गया। क्या स्थिति है अभी? अभी स्थिति तो नाजुक बनी हुई है। किस चीज़ की चोटें दिख रही है? ये नहीं बताया जा सकता किस चीज से लगी है, लेकिन एब्डोमेन पे चोटें हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी सिपाही की कार्बाइन और मोबाइल को लूट कर फरार हुए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक आरोपी और सिपाही में किसी बात को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद सिपाही राकेश पर यह हमला हो गया। मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों तक भी पहुंची तो रात में ही SP ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। वहीं ADG GRP पीयूष आनंद, रेलवे IG फैज अहमद और SP रेलवे पूजा यादव भी सुल्तानपुर स्टेशन पर पहुंची। ADG का साफ कहना है कि मामले को दर्ज कर लिया गया है और SP सुल्तानपुर के साथ साथ SP GRP लखनऊ, SP गाजीपुर सहित तमाम GRP के SP की मदद से आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। ये कल शाम को सूचना मिली थी कि ये जो गनर हैं ये श्रमजीवी में ट्रैवल कर रहे थे, तो इनके साथ किसी आदमी की जो भी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे किसी से झगड़ा हुआ है, उस आदमी ने इनको स्टैब किया है और इनकी जो कार्बाइन है और मोबाइल जो है वो छीन लिया था। तो उसके केस में वो उस प्रकरण में हम लोगों ने 394 IPC और 307 IPC में केस रजिस्टर कर दिया है। एक पूरे रहस्य स्तर में पूरे UP में SP सुल्तानपुर तो उसका नेतृत्व कर रहे हैं, SP GRP लखनऊ, SP गाजीपुर की भी हम लोग मदद कर रहे हैं और GRP के जो और SPs हैं उनकी भी मदद लेके पूरे रहस्य स्तर से हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं इस घटना का अनावरण करने का, और जिस भी अपराधी ने ये घटना किया है उसको पकड़ के उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का। ADG GRP का साफ साफ कहना है कि आरोपी को जल्द ही खोज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस घटना का जल्द ही अनावरण किया जाएगा। इस वारदात से सभी खौफजदा हैं, क्योंकि इस तरह एक पुलिसकर्मी पर हमला होना, वो भी पब्लिक प्लेस पर, काफी ज्यादा लापरवाही को दिखाता है। वहीं इस मामले पर मुख्तार अंसारी के MLA भतीजे मन्नू अंसारी काफी ज्यादा चिंता में हैं। उनका कहना है कि उनके गनर पर सरेआम हमला किया गया है, इसका मतलब है कि वो खुद भी सेफ नहीं है। ये खबर हमारे संवाददाता अफजल खान और अजहर अब्बास ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।